ना क्वांट्स दिखा दिख रहे हैं मैम? हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इन्फोमैथ्स के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। बच्चे देखो, अभी जो अपना आज का लेक्चर है वो थोड़ा सिलेबस ओरिएंटेड रहेगा और शॉर्ट ट्रिक्स ओरिएंटेड रहेगा। तो बच्चे, मैं आपसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस ये चीज़ पूछूंगा कि मुझे ये बताओ कि आपको थोड़ा सा आइडिया है कि कुछ क्वांट होता है, कुछ रीजनिंग होती है, क्या कुछ आइडिया है कि थोड़ा सा जो रीजनिंग है या अपना एप्टीट्यूड है पूरा? देखो, जैसे अगर हम सिंपल एप्टीट्यूड की बात करें बच्चे, तो उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक अपना क्वांट पोर्शन है और एक अपना रीजनिंग है। तो मुझे ये बताओ कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग का जो सिलेबस है, सिलेबस क्या पढ़ना क्या है हमें रीजनिंग में, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के? अगर मैं सिंपल क्वांट की बात करूं, देखो बच्चे क्वांट अलग चीज है, रीजनिंग अलग चीज है। बस मुझे सिर्फ ये बताओ कि एक पोर्शन है क्वांट, कि क्वांट में बच्चे ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं, या हमें क्वांट्स में पूरा पढ़ना क्या होता है? पूरे क्वांट्स का, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे क्वांट का सिलेबस क्या है या पूरी रीजनिंग का सिलेबस क्या है, क्या कोई बच्चा बता सकता है भाई कि भाई क्वांट में हमें ये पढ़ना होता है, रीजनिंग में हमें ये पढ़ना होता है? ठीक है, देखो कुछ ट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दूं एक बार, ठीक है, जो हमें पढ़ना है पहले उसके बारे में पता हो। देखो, अगर मैं सिंपल रीजनिंग की बात करूं, सुन लो बच्चे, दो तरह की रीजनिंग है जो हमने पढ़नी है, ठीक है। तो पहले हम रीजनिंग से शुरू करेंगे, फिर आपको थोड़ा क्वांट्स के बारे में बताऊंगा। तो सुन लो, जो अपना रीजनिंग है, आ जाओ जरा यहां से शुरू करते हैं। देखो, तो जो बच्चे अपनी रीजनिंग है ना, वो दो तरह की रीजनिंग है। अगर मैं सिंपल बोलूं, हमने रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक अपना वर्बल रीजनिंग है और एक अपना बच्चे नॉन वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, कुछ आइडिया है? बिल्कुल, कुछ बच्चे थोड़ा सही बता रहे हैं, ठीक है, कुछ आइडिया है? सुन लो जरा, पहले देखो, कोई भी आप चीज पढ़ते हो पहले उसके बारे में आपको पता हो कि इसका सिलेबस क्या है, हमने किस लेवल तक चीजें पढ़नी है, थोड़ा सा हमें सिलेबस का आइडिया हो। सुन लो, देखो अगर मैं सिंपल वर्बल रीजनिंग की बात करूं ना बच्चे, देखो रीजनिंग में आता क्या है, रीजनिंग देखो वर्बल रीजनिंग के टॉपिक लिखो जरा, डायरेक्शन है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा सिलेबस लिखो, उसके बाद फिर हम करेंगे आगे। डायरेक्शन हो गया बच्चे, ब्लड रिलेशन हो गया अपना, डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, तीसरा है अपना सिलॉगिज्म, सिलॉग्स। तो ये कभी सुना है कि डायरेक्शन नाम की कोई चीज होती है, या ब्लड रिलेशन नाम की कोई चीज होती है, या सिलॉग्स नाम की कोई चीज होती है? तो ये अपना जो पूरा सिलेबस है, पहले हम सिलेबस लिखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमने पढ़ना कैसे है और क्या क्या चीजें किस तरह से पढ़ी जाएंगी, ठीक। लिख लो, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन हो गया बच्चे, रैंकिंग टॉपिक है बच्चे एक अपना, एक अपना ऑर्डर है, रैंकिंग ऑर्डर, ठीक। ऐसे बच्चे हमने पजल पढ़नी है और सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है। पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ऐसी बच्चे अपनी सीरीज होगी। तो सीरीज भी दो तरह की है, एक नंबर सीरीज होती है और एक अपनी अल्फाबेट सीरीज है। तो नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है। उसके बाद बच्चे अपना कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो पहले हमें सिलेबस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। और एक बच्चे अपने हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें अपना स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ये अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट अजम्पशन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। देखो, अगर हम सिंपल वर्बल रीजनिंग की बात करें, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, स्लॉग्स, रैंकिंग ऑर्डर, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो ये बच्चे अपना वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है। ऐसी एक अपनी नॉन वर्बल रीजनिंग है, एक वर्बल रीजनिंग है, ऐसे ही अपना बच्चे एक नॉन वर्बल रीजनिंग है। लो, अब नॉन वर्बल रीजनिंग का कुछ आइडिया, कुछ थोड़े से टॉपिक, कुछ सिलेबस, ठीक है, सुन लो। देखो बच्चे, एक अपनी है नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। लो देखो, अगर हम सिंपल नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें ना, इसमें अपना क्यूब, डाइस, ऐसे बच्चे अपना काउंटिंग द फिगर्स, काउंटिंग द फिगर्स हो गया, ऐसे बच्चे अपना हो गया क्लॉक, कैलेंडर,
क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, काउंटिंग फिगर्स हो गए, मिसिंग करेक्टर होगी, मिसिंग सीरीज हो गया, मिसिंग करेक्टर। ठीक, तो ऐसे ही बच्चे अपना क्लॉक, कैलेंडर, मिसिंग सीरीज है, वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग है, पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग। ऐसे ही बच्चे अपना हो गया डायग्राम बेस क्वेश्चन, डायग्राम या फिगर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें एम्बेडेड डायग्राम आएंगी, ये हो गया अपना बेस्ड क्वेश्चन। लो अब सुन लो बच्चे, देखो अब हमने थोड़ा सा सिलेबस लिखा कि एक अपनी वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग के टॉपिक लिखे, एक अपनी बच्चे नॉन वर्बल रीजनिंग है तो हमने यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग के पूरे टॉपिक लिखे। ऐसे ही एक एनालिटिकल रीजनिंग होती है, वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं। अब सुनो जरा, देखो रीजनिंग में पता क्या है, किसी टॉपिक का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, चाहे हम क्यू पढ़ लें, चाहे हम बच्चे क्लॉक स्टार्ट कर लें, चाहे कैलेंडर पढ़ लो, चाहे मिसिंग सीरीज पढ़ लो, किसी टॉपिक का किसी के साथ लेना देना नहीं। बट जो क्वांट्स होगा ना, जैसे अब हमने रीजनिंग का सिलेबस लिखा, देखो पहले हमें सिलेबस ही पता होना चाहिए कि हमें रीजनिंग में पढ़ना क्या है। जैसे ऐसे अपना पूरा क्वांट का सिलेबस है, तो क्वांट में पता हो ना कि अपना क्वांट्स का पोर्शन क्या है, क्या चीजें आती हैं पूरी, तो मैंने यहां पर पूरा सिलेबस लिख दिया। ठीक, देखो एक इंपॉर्टेंट बात, क्वांट का देखो क्या रहता है, क्वांट ऑर्डर में चलता है। ऑर्डर का मतलब यह है कि भाई पहले परसेंटेज होगा, फिर प्रॉफिट लॉस होगा, फिर डिस्काउंट होगा, ऐसे ही टाइम एंड वर्क होगा, पाइप एंड सिस्टम होगा, वर्क एंड वेजेस, वो अपना क्वांट है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि रीजनिंग, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल किसी चैप्टर का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, बस सिटिंग अरेंजमेंट और पजल थोड़ा इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, बाकी किसी टॉपिक का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, आ जाओ जरा, तो रीजनिंग का थोड़ा सिलेबस पता चला। ठीक है, आ जाओ, रीजनिंग में बच्चे एक टॉपिक है काउंटिंग द फिगर्स, फिगर्स काउंटिंग, चाहे ये पढ़ लो, चाहे क्लॉक पढ़ लो, कैलेंडर पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे टॉपिक अलग अलग हैं। ठीक है, आ जाओ, अब मैं सिंपल इसकी बात करूं, काउंटिंग द फिगर्स। लो देखो, कोई भी चैप्टर होता है ना बच्चे, पहले आप ये चीज समझो, कोई भी चैप्टर होगा, जैसे अब हम ये टॉपिक उठाते हैं काउंटिंग द फिगर्स, कुछ ट्रिक्स होती हैं हर चैप्टर में, चाहे वो क्वांट का टॉपिक हो, चाहे वो रीजनिंग का टॉपिक हो। सिंपल सुनो, जैसे अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मैं सिंपल एग्जांपल के लिए स्टार्ट करूं कि अब हमने टॉपिक स्टार्ट कर लिया काउंटिंग द फिगर्स, टॉपिक है फिगर्स काउंटिंग, कि भाई फिगर्स को काउंट करना है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है फिगर्स काउंट, काउंटिंग द फिगर्स। अब सुनो, अब पहले मुझे ये पता हो कि काउंटिंग द फिगर्स है, इसमें कौन कौन सी फिगर आती हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि बच्चे एग्जाम में इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लो अगर मैं लिखूं फिगर काउंटिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें फिगर्स काउंट करना होगा, तो इसमें पहले मुझे ये पता हो कि कौन कौन सी टाइप्स हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सुन लो, तो बच्चे तीन तरह के क्वेश्चन हैं जो काउंटिंग द फिगर में आते हैं। आएगा भाई ट्रायंगल काउंट करनी, हमें एक डायग्राम दे रखी होगी, अब पूछा जाएगा कि इसमें ट्रायंगल कितनी है, कितनी ट्रायंगल इसमें बन रही है। सुन लो, या आएगा रेक्टेंगल का, हमें एक डायग्राम दे रखी होगी, उसमें लिखा जाएगा कि कितनी रेक्टेंगल्स बन रही है, या क्वेश्चन आएगा स्क्वेयर का। ऐसे एक बच्चे साथ में आता है लाइन की, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है। लो तो देखो, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया, टॉपिक हमारा है कि काउंटिंग द फिगर्स, तो मुझे फिगर्स काउंट करनी है। देखो कोई भी चैप्टर हम किस वे में पढ़ेंगे, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। जैसे हमने काउंटिंग द फिगर स्टार्ट किया, तो पहले मुझे पता है कि भाई हमें ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है, कि ट्रायंगल कितने तरह की हैं, या स्क्वायर कितने तरह के हैं, या रेक्टेंगल कितने तरह के हैं, या लाइन, तो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, जो इन चारों में बच्चे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल, काउंटिंग द ट्रायंगल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा ट्रायंगल में से पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाओ, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंपल, आपको थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया हो गया, कोई भी चैप्टर है बच्चे हम इस तरह से ही पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सिंपल, देखो अब मैं इस पे आता हूं, अब हमने टॉपिक स्टार्ट किया काउंटिंग द फिगर्स, तो फिगर काउंटिंग में हमें ट्रायंगल भी पढ़नी है, रेक्टेंगल भी पढ़नी है, स्क्वायर भी पढ़नी है, लाइन भी पढ़नी है, बट सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रायंगल काउंट। तो अब हम बच्चे ट्रायंगल्स को काउंट करते हैं। आ जाओ जरा, सिंपल ट्रायंगल्स को अगर काउंट करें, देखो कोई भी चीज है जो पूरी रीजनिंग है ना अपनी, वो पूरी ट्रिक्स पे चलती है। कोई भी रीजनिंग का टॉपिक होगा या कोई भी क्वांट्स का, क्वांट्स में फिर भी बहुत बेस है, क्वांट्स में काफी चीजें हैं छोटी छोटी जो हमें क्लियर करनी है, बट जो पूरी रीजनिंग है ना वो कंसेप्ट पे चलती है। देखो इसका क्या मतलब है, डन। आ जाओ जरा, अब समझो,
अब देखो, अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि ट्रायंगल का क्या मतलब है। ट्रायंगल, ट्राइंगल, ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? ट्रायंगल, तो आप बोलोगे सर ट्राई मतलब तीन, एंगल जिसके तीन एंगल है। लो जी, जिसके तीन एंगल हैं तो उसकी बच्चे तीन साइड भी होंगी ना। तो अब हम ये बोलते हैं कि एक ऐसी डायग्राम जिसमें तीन साइड हैं और उसके तीन एंगल हैं, वो ट्रायंगल है, सिंपल। बट हमारा जो टॉपिक है, हमें काउंट करने हैं, हमें कुछ नहीं करना कि क्या, हमें सिर्फ काउंट करना है। काउंट करने का पता है मतलब क्या है? समझो, मान लो क्वेश्चन ये पूछूं मैं आपसे कि भाई ये एक डायग्राम दे रखी है ऐसे, या फिर ऐसे एक लाइन और खींच दो ऐसे। क्वेश्चन है कि भाई इसमें जो भी नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगी, बच्चे इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही हैं, तो 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको इन चीजों का आइडिया है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो 2 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? अब सुन लो जरा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं। मैं ये मानता हूं कि आपको कुछ नहीं पता कि ट्रायंगल क्या है, कैसे चीजों को काउंट किया जाता है। आ जाओ जरा देखो, आप समझो बिल्कुल बेसिक से। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, इसमें इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ एक ट्रायंगल है, बिल्कुल दिख रही है, ये तो नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें कितनी है, देयर इज ओनली वन ट्रायंगल, तो इसमें सिर्फ एक ट्रायंगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, अब बच्चे मैंने जब एक ना लाइन खींची यहां पे, अब मैंने एक लाइन यहां पे खींच दी, अब मुझे ये बता दो कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही है, एक बन रही है, दो बन रही है, चार बन रही है, तीन बन रही है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही है, बस मुझे ये बता दो। लो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो आप बोलोगे सर देखना एक और दो, क्या आंसर इसका दो आएगा, क्या इसमें दो ट्रायंगल दिख रही है या कुछ और भी दिख रहा है? सुन लो जरा सिंपल, ठीक है? अब समझो, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है बच्चे, एक तो छोटी, एक ये, और तीसरी बड़े वाली थोड़ा भूलनी है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, तीन है। चलो छोटा सा क्वेश्चन था, हमने गिन लिया कोई एक दो। मान लो बच्चे क्वेश्चन ये पूछा जाता ऐसा इधर कि भाई इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, मैंने एक लाइन खींच दी, लो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। देखो छोटा क्वेश्चन है फिर भी काउंट हो जाएगा। मान लो बच्चे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाए, लो ये क्वेश्चन पूछा जाए, आ जाओ जरा, लो एक लाइन और खींच लो, एक लाइन और खींच लो, लो या इसमें एक लाइन और खींच दो, एक लाइन और खींच दो कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। अब ऐसा थोड़ा कि पेपर में हम काउंट करेंगे कि ऐसा एक दो तीन और इसमें ये चार, ये पांच, ये छह, या इसमें एक दो तीन ऐसे ट्रायंगल बन रही है। देखो टॉपिक का नाम है कि हमें ट्रायंगल्स को काउंट करना है, ऐसी कितनी ट्रायंगल्स है, बस हमें सिंपल आंसर ये बताना होगा, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, 10 ट्रायंगल, 50 ट्रायंगल, 100 ट्रायंगल, कि इसमें इस डायग्राम में जितके जी। आ जाओ जरा, अब थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया कि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि काउंटिंग द ट्रायंगल्स, हम ट्रायंगल्स करनी है। आ जाओ बच्चे बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, टाइप वन पे आ जाओ। लो टाइप वन, देखो कोई भी टॉपिक है हम टाइप वाइज पढ़ते हैं, तो जो हमारा ट्रायंगल है इसमें बच्चे 8 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ट्रायंगल को काउंट करोगे ना, इसी में 8 टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। बिल्कुल बेसिक से टाइप वन से आ जाओ जरा, अगर हम सिंपल टाइप वन की बात करें, देखो देखो जी टाइप वन पे आ जाओ बच्चे। टाइप वन में अब हमें ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगी। आ जाओ जरा इधर, अगर हम ये देखें, आ जाओ इधर, लो मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिखा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें बच्चे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, आ जाओ देखो, अगर मैं सिंपल इसकी बात करूं ना, इसकी, लो पता क्या करना है, कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं करना, सुनो, जो ये हमारा बेस है ना, इसको बेस बोलते हैं, इस बेस पे नंबरिंग कर दो। बेस पे नंबरिंग करने का मतलब देखना क्या है, यहां पे 1, ये 2, इसको क्या करो बच्चे, ऐड करो, 1 + 2, बेस पे नंबरिंग करो, 1 + 2 कितना, 3, तो आंसर क्या आया, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही है, 3 डायग्राम बन रही है। देखो तीन कौन सी, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, और तीसरी बिल्कुल बड़े वाली, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आएगा, 3, तो 3 ही हमारा आंसर है। सुन लो, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, इसमें 1 2 बेस पे नंबरिंग करके ऐड कर दो। मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाता, तो आप बोलते कि सर यहां पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो बच्चे 1 2 3 लिखो, उसको क्या करो, ऐड 1 + 2 + 3, तो आंसर कितना आएगा, 6, तो इसके अंदर बच्चे जो भी ट्रायंगल बन रही है वो 6 ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे गिन के दिखाओ, तो गिन के देख लेते हैं कि 6 बन रही हैं या नहीं, देखना कौन कौन सी। सुन लो, अगर मैं सोचूं कि भाई एक तो ये वाली छोटी, एक ये, दो ये, तीन, तीन तो सीधी होगी ना, तीन में तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी सी, जो बिल्कुल सबसे बड़े वाली, ए बी सी बन रही है, तीन तो ये है, एक अपनी ए बी सी, तो 4 तो दिखी है ना,
देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक दो तीन, तीन तो ये चौथी बड़े वाली चार, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें चार नहीं इसमें छह बन रही हैं, तो कोई आपसे पूछे कि भाई दो कौन कौन सी बन रही हैं, सुन लो यार दो देखो कौन कौन सी। देखो अगर हम देखें बच्चे ये ए बी, यहां पे लिख लो ए बी डी लिख लो, ये देखो जो ए बी डी है तो ये एक ट्राइंगल दिख रही है ना ए बी डी, तो यहां पे अपनी एक ट्राइंगल दिख रही है ए बी डी, तो बच्चे एक ट्राइंगल ए बी डी ऐसे लो, ये तो ए बी डी अपनी पांच होगी ए बी डी लो। अब देखो एक ट्राइंगल और कौन सी, अगर यहां से देखो जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये देखो जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, जो मैंने पूरी शेड की, तो एक ट्राइंगल ये भी बनी है ना ऐसे, तो अगर मैं इसको नाम दूं ए ई सी, तो एक ट्राइंगल बच्चे ये बन गई ए ई सी। देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देखो तीन चार पांच छह, तो आंसर कितना आया छह। तो ऐसा कुछ नहीं करना पेपर में कि आप उसको काउंट कर रहे हो, सिंपल अब हमने एक चीज सीखी है, देखो अभी तक हमने सिर्फ एक चीज सीखी है ना फन में, हमने ये सीखा कि कभी भी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मान लो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, या भाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, तो आपने क्या करना है सिंपल, अगर मुझे पता है ना ये कंसेप्ट की बेस पे नंबरिंग करके ऐड कर दो, एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सुन लो मान लो बच्चे अब ये क्वेश्चन था, तो क्या करें इसका बेस, इसके बेस पे नंबरिंग कर दो वन टू थ्री फोर, तो बच्चे ऐड करो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कितना, छह और चार कितना है दस, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है दस, इसका मतलब इसके अंदर जो भी ट्राइंगल बनेगी वो टोटल दस बनेगी, काउंट करने की जरूरत नहीं है ऐसे कि आप पेपर में एक दो तीन, देखो सिंपल दस सेकंड में क्वेश्चन, तो ये अपना टेन आया डन। आ जाओ मान लो क्वेश्चन बच्चे ये पूछा जाता, ये इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, देखो क्या करना है अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं ना, इस क्वेश्चन की बात करूं, आ जाओ तो अगर बच्चे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इसका जो बेस है, एक तो बेस ये है ना, तो एक पहले बेस पे नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री, इनको ऐड करो तो वन टू थ्री कितना हुआ एक दो तीन छह, तो भाई छह देखो एक बेस पे छह, तो भाई दूसरा बेस ये भी है ना, देखो एक बेस तो यहां पे था तो वन टू थ्री कर दिया, एक बेस अपना ये भी है ना बच्चे, तो यहां पे वन टू थ्री इसको ऐड कर लो वन प्लस टू प्लस थ्री, तो टोटल कितना हुआ सिक्स हुआ। लो इसका मतलब जब मैंने यहां पे एक लाइन बनाई तो छह इसकी भी बनेगी ना, एक दो तीन तो कितना छह, तो भाई छह प्लस छह कितना हो गया बारह, तो बारह ही हमारा आंसर है इसमें, बताओ कोई दिक्कत। अब क्या करना है अगर जो हम सिंपल देखें, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेस पे नंबरिंग कर दो बात खत्म। सुन लो एक क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ जरा क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन है, लो सुन लो क्वेश्चन है इस तरह से, मान लो पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, क्वेश्चन होगा फाइंड द फिगर्स, ऐसा होगा फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, या लिखा जाएगा काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल कि भाई इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही है, अगर मुझे पता है ना कि बेस पे नंबरिंग करके नंबरिंग लिखनी है और एड करना है, तो आंसर हमारा दो सेकंड में आएगा। देखो अभी हमने यही सीखा ना, इस बेस पे नंबरिंग करो बस, इस बेस पे क्या लिखो वन टू थ्री, तो बच्चे ऐड करोगे वन प्लस टू प्लस थ्री कितना बना छह बना, तो छह तो आंसर यहां से आ गया, इस बेस पे नंबरिंग करोगे वन टू थ्री तो टोटल कितना आया छह, इस बेस पे नंबरिंग वन टू थ्री तो कितना आया टोटल छह, तो बच्चे इसको ऐड करेंगे तो कितना बना छह 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 अठारह, लो इसका मतलब 18 है बस, देखो कुछ भी नहीं देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आंसर आया 18। लो अब देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एमसीए में ही पूछा गया था, पिछले साल का क्वेश्चन है। लो अगर किसी को कंसेप्ट पता था ना, क्वेश्चन दो सेकंड में सॉल्व होना था, कुछ क्वेश्चन ना इस तरह से बना हुआ था, ऐसा था क्वेश्चन, लो इतना सा ये ऐसा और इतना, लो क्वेश्चन ये था कि काउंट करो इसमें, काउंटिंग द फिगर्स, लो ट्रायंगल्स बताओ इसमें कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, हाउ मेनी टोटल ट्रायंगल्स आर देयर। देखो अगर हमें ये पता है कि इस बेस पे नंबरिंग करनी है बच्चे, इस बेस पे नंबरिंग करना जरा, ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसको ऐड कर लो, पहले अलग बेस बनाना है बस। लो तो ये हमारा पहला बेस हो गया, ये दूसरा बेस हो गया बच्चे वन टू थ्री, इसको ऐड कर लो वन प्लस टू प्लस थ्री, तो बच्चे ये तीसरा बेस हो गया वन टू थ्री, तो कितना आएगा इसका भी छह आया, इसका भी बच्चे छह आया, छह चार दस और पांच पंद्रह, तो इन सभी को ऐड करो कितना हुआ बच्चे पंद्रह प्लस छह इक्कीस प्लस छह कितना हुआ 27, तो इसका मतलब टोटल 27 ट्रायंगल थी बस। ये देखो ये क्वेश्चन था, तो आप बताओ मुझे इसमें किसी को कोई दिक्कत टाइप वन में, ठीक है आ जाओ, आ जाओ बच्चे टाइप टू पे आ जाओ जरा, टाइप टू देखो, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे पहले हमें पता हो कि कौन से टॉपिक हैं, उसके अंदर पढ़ना क्या है, दूसरा हमें पता हो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हमने टाइप वन पढ़ी, अब हम टाइप टू पढ़ते हैं, ऐसे मैंने क्या बोला कि कभी भी
ट्रायंगल पढ़ना होगा ना, तो इसके हमने 8 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं ट्रायंगल, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। जब भी आप पेपर देने जाओगे जो हमने 8 टाइप पढ़ी होगी ना उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, क्वेश्चन उसी में से मिलता है। ठीक है, अब पढ़ो टाइप 2 पे आ जाओ। लो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक ना ये मेरी डायग्राम है, इसमें एक डायग्राम बच्चे मुझे बताना कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है इसमें। अब बोलोगे सर ये तो ट्रायंगल थोड़ा है, ये तो स्क्वायर है, इसमें तो कोई ट्रायंगल का मतलब कुछ और है, स्क्वायर का मतलब कुछ और है। मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे इसमें ट्रायंगल कितनी है, आप बोलोगे सर ये ट्रायंगल नहीं ये तो स्क्वायर है, इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं है। सुनो अब मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन खींच दी। लो अब मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची तो भाई अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, तो आप बोलोगे सर एक ट्रायंगल इधर है एक ट्रायंगल इधर है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही है, 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन और खींच दी तो अब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही है, अब बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ जरा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही है, इस डायग्राम में जो ट्रायंगल बनती है वो कितनी बन रही है टोटल ट्रायंगल। ठीक है जी, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, डन। ठीक है जी, अब देखो जरा बच्चे इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनेगी अगर मैं इसकी बात करूं ट्रायंगल की। आ जाओ जरा, तो देखो कभी भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। लो पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने या कभी भी इस तरह से क्वेश्चन बने, ये मान लो अगर हमें सिर्फ कंसेप्ट पता है ना तो क्वेश्चन मेरा 2 सेकंड में सॉल्व होगा। दो देखो मैंने क्या लिखा ऐसा, तो कभी भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन बने नंबरिंग लिखो 1, 2, 3 और 4, तो क्या करो 4 × 2 कर दो, तो 4 × 2 कितना आया बच्चे 8 आया। लो ऐसे मान लो बच्चे ये क्वेश्चन है, तो इसमें अगर मैं नंबर लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो करना क्या है, एक से नंबरिंग लिख दो 8 तक। देखो एक से शुरू करके 1, 2, 3, 4 क्या करना है बच्चे 4 × 2 करना है बस, इसका 8, इसका मतलब इसके अंदर जो भी ट्रायंगल बनेगी 8 बनेगी, इसके अंदर टोटल ट्रायंगल बन रही है 8 बच्चे। इसके अंदर देखना 8 × 2, तो 8 × 2 इसके अंदर कितनी बनी है 16, 8 का डबल कितना 16, बस इतना सा। अगर मुझे ये पता है आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लो अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं कि भाई इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही है इस क्वेश्चन में, लो ऐसे क्वेश्चन में आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लो, 6 × 2 कर लो, 6 × 2 कितना 12, आंसर क्या आएगा 12 आएगा। लो तो देखो ये चीज समझ आई बच्चे। देखो अब हम मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ा जाएगा वो टाइप वाइज पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे पास जितना सा टाइम है अब हम उतना ही पढ़ा टाइप। इसमें हमने 8 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, टाइप 1 टू टाइप 8। लो जब आपने टाइप 1 टू टाइप 8 पढ़ लिए उसके बाद हमारी असाइनमेंट्स होती हैं। ऐसे जो असाइनमेंट है बच्चे वो लेवल 1 है, वो लेवल 2 है और लेवल 3 है, तो 3 असाइनमेंट है अपनी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो पहले हम टाइप 1 टू टाइप 8 पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो इससे हमारा पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा समझ आया, जैसे ये अपना एक टॉपिक है तो हमने ऐसे सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है जी, तो अभी अपने सर की क्लास है, चेतन सर की, जो कंप्यूटर आपको टीच करेंगे, तो एक बार उनसे भी इंट्रोडक्शन ले लो। आ जाओ सर। सो गाइस, आप लोगों ने अभी हमारा रीजनिंग के सर रविंदर सर हैं, ही इज एक्सपर्ट इन एप्टीट्यूड फैकल्टी, जिनको अराउंड अबाउट 10 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इन हिज फील्ड, एंड सर आपको एप्टीट्यूड कराते हैं रीजनिंग एंड क्वांट ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टकट्स। देन वी आर हैविंग द बेस्ट फैकल्टी फॉर टीचिंग यू मैथ्स, मिस्टर ग्रोवर। ग्रोवर सर इज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल्सो, एंड सर आपको मैथ्स कराते हैं द शॉर्टकट टिप्स, एंड डेफिनेटली इन्हीं की वजह से बेसिकली जो टफ क्वेश्चंस होते हैं आप इजीली बहुत ही कम टाइम में उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग आर एक्सपर्ट कंप्यूटर फैकल्टी मिस्टर चेतन सर, एंड चेतन सर जो है ही इज़ द एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर कंप्यूटर्स, जो आपको कंप्यूटर्स कराएंगे, एंड ही इज हैविंग द एक्सपर्टाइज ऑफ मिनिमम यू कैन से 19 ईयर्स इन टीचिंग कंप्यूटर्स इन द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी आर अ ग्रुप ऑफ टीचर्स एंड माई सेल्फ अर्पना ग्रोवर, मैं आपको इंग्लिश कराती हूँ इन द शॉर्टकट पॉइंट, एंड वी आर द ग्रुप ऑफ टीचर्स हु हेल्प यू आउट टू क्लियर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम निमसेट, क्यूसेट, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड महाराष्ट्र सीटी। सो डेफिनेटली यू कैन रिलाई 100% ऑन अ फैकल्टी दैट वी आर ऑलवेज विद यू फॉर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन एंड मेकिंग योर ड्रीम्स अ ट्रू रियालिटी। सो लेट्स हैव अ टॉक विद चेतन सर। हेलो स्टूडेंट्स, सो
एमसीए के लिए एग्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द शॉर्टकट दैट वी यूज इन कंप्यूटर्स. आप कहीं ना कहीं बीसीए में सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, सी लैंग्वेज, बट अगर मैं उसको बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहूं तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता. तो उसी के लिए हम एमसीए में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स और ये सब कुछ सिखाते हैं ताकि आप उन्हीं क्वेश्चंस को विद इन 5-15 सेकेंड्स के अंदर उसको सॉल्व कर सके. क्योंकि किसी भी पेपर में आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, राइट? सो एमसीए के लिए यू हैव टू गो विद द शॉर्टकट्स एंड द ट्रिक्स और उसको रिमेंबर करने के भी तरीके हम आपको सिखाते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, राइट? एंड बीसीए के अंदर भी इफ यू हैव एनी डाउट तो उनकी क्लासेस भी वी टेक ओवर हियर. सो जस्ट हैंडओवरिंग टू सुधीर सर. स्टूडेंट्स, मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसे एक फोबिया बनाया गया है. इंफोमैथ्स, आपको पता है कि मैथ्स का मेन सेंटर है, तो हम आपका पहले मैथ्स का फोबिया खत्म करेंगे. मैथ्स यहाँ बेसिक से स्टार्ट होगा अप टू एडवांस तक जाएगा, बिल्कुल जियो लेवल से स्टार्ट होगा अप टू मैक्सिमम लेवल तक जाएगा. तो मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है. कई बच्चे कहते हैं सर मैथ्स मुश्किल है, तो मैथ्स एक ईजी सब्जेक्ट है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, उसके अंडर हमें मैथ्स को प्ले करना है. मैथ्स इज अ गेम, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक गेम है. हम यहाँ मैथ्स को गेम की वजह से ट्रीट करेंगे, मैथ्स को मैथ्स की वजह से ट्रीट नहीं करेंगे. आपको मजा आएगा खेलने का, क्या होता है ओके. अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेके चलोगे तो बर्डन है, अगर इसको गेम वाइज लेके चलोगे तो ये प्लेजर है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब मैथ्स के लिए गेम खेलेंगे. ओके थैंक यू. देखो बच्चे, जैसे क्वांट्स एंड रीजनिंग है, जो अपना क्वांट्स एंड रीजनिंग है प्योरली ट्रिक्स बेसिस पे है. देखो पहले जब भी हम यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ते हैं, पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके कंसेप्ट क्या हैं. पहले हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए. हमें एग्जाम में कंसेप्ट नहीं देने, हमें ट्रिक्स देनी है. वो ट्रिक्स कब आएंगी, जैसे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं उसके बाद हम ट्रिक्स करेंगे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्वांट्स एंड रीजनिंग की सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा. तो बच्चे ये अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ अर्पना मैम को. तो ये अपनी पूरी टीम है, आपको हेल्प करेगी पूरी आपका एमसीए का जो एग्जाम है क्लियर कराने के लिए. सो फाइनली स्टूडेंट्स, आपने इन्फोमैथ्स की टीम से बात की एंड वी अश्योर यू द बेस्ट रिजल्ट्स. आप आइए, ज्वाइन कीजिए इन्फोमैथ्स, ज्वाइन आवर टीम एंड वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू इन क्लियरिंग योर क्लियरिंग योर टॉप एग्जामिनेशंस व्हिच यू आर टारगेटिंग, वेदर इट इज निमसेट, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT, BHU, any exam, the topmost exam, we will help you out. So definitely, you can call us and helpline numbers which are given. And definitely tomorrow, we are also going to have a scholarship test. Those who have registered for the scholarship test, please do give the scholarship test at 5 p.m. sharp. Thank you guys and all the best. Best of luck. All the best.